Hello students, myself Nilesh Planiya, Math Faculty, CLC Sikar se. CLC dwara ayojit cast exam, CLC admission cum scholarship test ke paper ka video solution lete hain. First question, if 80 equals to 20, means A ka place number 1, T ka 20, इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है 20. सिमिलर वे में बैट का बी का प्लेस नंबर है 2, ए का प्लेस नंबर है 1, टी का प्लेस नंबर है 20. मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी नंबर्स को तो हमारे पास वैल्यू आएगा 40. इन सेम वे कैट, कैट में सी का प्लेस नंबर है 3, ए का प्लेस नंबर है 1 एंड टी का प्लेस नंबर है 20. 3 × 1 × 20 = 60. ऑप्शन नंबर थर्ड इज अवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित वॉक 20 मीटर टू ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, देन ही वॉक 20 मीटर टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन. नेक्स्ट, देन वॉक 20 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट, देन 20 मीटर इन अ नॉर्थ वेस्ट direction and reaches at point B. Find the distance between A and B. Find the distance between A and B. ये वाला distance हमें अगले ने पूछा है. मैंने इस distance को x assume कर लिया. अब ये वाली जो condition है यहाँ से, ये 45 degree, 45 degree. तो ये वाला angle कौन सा हो गया? 90 degree. और जब ये वाला 90 degree है, तो इस side को हम हाइपोटेन्यूज कह सकते हैं. और ये 90 डिग्री है, मीन राइट एंगल ट्रायंगल है. और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. परपेंडिकुलर का वैल्यू 20, मीन्स 20 का होल स्क्वायर प्लस बेस भी 20 का होल स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या है? 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. ये है 400 प्लस 400 इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 400 इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट किया बोथ साइड, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया. ये वैल्यू आ गया 20√2 इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20√2 − 20. और यहाँ से अगर हम वैल्यू सॉल्व करें 20√2, 1 मीटर, मीन्स ऑप्शन सेकेंड इज अ ट्रू आंसर. द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ओवरटेक्स द हावर एंड एट इंटरवेल्स ऑफ 66 मिनट ऑफ अ करेक्ट टाइम, हाउ मच अ डे डज द क्लॉक गेन और लॉस. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो मिनट हैंड है वो ओवरटेक कर है आवर एंड को इंटरवल ऑफ द 66 मिनट्स. हमें यह पता है कि एक मिनट एंड आवर एंड को ओवरटेक करने में 66 × 5/11 मिनट का टाइम लेती है. और अगर हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से सोल्व करें तो हमारे पास इसका फॉर्मूला रहता है 65 × 5/11 माइनस टाइम अपॉन टाइम इनटू टोटल टाइम. तो टाइम का वैल्यू कितना है? 66, मीन्स 65 × 5/11 माइनस 66 अपॉन 66 इनटू टोटल टाइम इन अ डे, मीन्स 24 आवर. ये वैल्यू हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आवर को मिनट में कन्वर्ट किया 60 से. 65 × 5/11 माइनस 66 मीन्स ये वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी. तो ये तो कन्फर्म हो गया कि जो क्लॉक है वो लॉस में है, गेन में नहीं है. तो ये वाला फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन तो कैंसिल हो गया. अब ये वाला वैल्यू रहेगा माइनस का 5/11 इंटू 66 इंटू 24 इंटू 60. ये वाली वैल्यू हम लोगों के पास 5/11 माइनस 66, सॉरी 6/11. और 6/11 का मीन है यहाँ से कैंसिल करेंगे 6 को 11 टाइम्स. ये वाली जो वैल्यू है वो रहेगी 24 इंटू 6
by 11 into 11. तो इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 121. इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसे सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आएगा 11109 बाई 121 मिनट. और ये वाला वैल्यू लॉस में है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू 117 है और 109 मींस ऑप्शन नंबर सेकंड इज अवर आंसर. हु इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? वी नो दैट द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज अ सत्ते नडेला. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट विच वॉज लॉन्च बाई द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल ऑफ द एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग? दिस इज ऐप है तमन्ना. अवर आंसर, हु अमोंग द फॉलोइंग इंडियन बैट्स वुमेन वॉन द विजडम इंडिया एल्मिनिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? हमें पता है जो वुमेन है वो तो है स्मृति मधाना. Pointing to a man in a photograph. Pointing to a man in a photograph. A woman said. Woman said. His brother. His brother's father. His brother's father is the only son of my grandfather. My grandfather means this. His brother's father means ये वाला जो पर्सन है वो मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन है. मीन्स ये वाला, तो ये वाला पर्सन ये वाला सेम है दोनों. तो कहने का मीन क्या हुआ कि जो वो फोटो में जो पर्सन था वो कौन है? वुमेन का ब्रदर. वुमेन का ब्रदर. हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ? जो फोटोग्राफ में मैन है उसकी जो वुमेन है वो कैसे रिलेशन रख रही है? वुमेन सिस्टर है. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड. अमंग द फोर आंसर फिगर विच फिगर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कट पीसेस गिवन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर? ये हमें एक फिगर दिया हुआ है, ये कट पीसेस के अंदर है. अगर हम इसे जो आंसर फिगर है उनमें से उस आंसर को सेलेक्ट करना है जिससे कि ये वाला फिगर कट किया जा सकता है, या फिर इस कट पीसेस को ऐड करें तो फिगर ऐड हो सकता है. जैसे ये वाला हमारे पास एक सेमी सर्कल है, तो ये वाली जो फिगर है वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से. नेक्स्ट, ये वाला जो कॉर्न जैसा फिगर है, ये वाली जो फिगर हम लोग यहाँ से ले सकते हैं. नेक्स्ट, ये वाली जो फिगर है, ये फिगर हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, और ये वाली जो फिगर है वो फिगर हम लोग यहाँ से ले सकते हैं. मीन्स आंसर नंबर थर्ड. डायरेक्शन, फाइंड द मिसिंग टर्म. हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 1, 1, 1 means 1. 1, 3, 5, 7, 9. ये वाला odd number का pair चल रहा है. 1, 3, 5, 7, 9. Next, 7, 8, 9. 10 का रह रहा है 0. Then again 1. तो अपना answer बनेगा 8, 1, 9, 1. 8, 1, 9, 1 option number 3rd. Next question. ये वाला हमें फाइंड द मिसिंग टर्म का ही क्वेश्चन रह रहा है. 6, 1, 2, 4, 3, 8, 5. 1 × 2 + 4. 1 × 2, इसका डबल किया, इससे पीछे वाला नंबर हमने ऐड किया. 1 × 2 + 4 = 6. नेक्स्ट, 2 × 2 + 1. 2 × 2 = 4. 4 से जो जस्ट प्रीवियस नंबर है वो कौन है? 1 = 5. नेक्स्ट, 3 × 2 + 2 = 3 × 6 + 2 = 8. नेक्स्ट, 4 × 2 + 3. 4 × 8 + 3 = 11. ऑप्शन नंबर सेकेंड. थैंक यू डियर.